यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी। ये लोग आया था, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों, गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। जानवर नहीं है बिल्कुल। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। गाय रनवे पे आ गई, इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 3300 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी होता है। गव्य का स्नान आदि काल से चलता चला आया, आदि काल से, और उससे शरीर का कोई बीमारी, इवन हड्डियों में भी जो वो कीटाणु छिपे हुए ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। इससे बेटर गू खा लेता। क्या बात कर रहे हो? बोलो गो माता की जय। बोलो गो माता की जय। देखो मात्र कि मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। I'm not sure the nation will forgive him ever for this. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. ऐसे डाला पानी के अंदर और उसको ऐसे डाल करके और ऐसे पी लेना। ये हटो साला, जाना मुझे मार्स पे, मूत पी रहे हैं लोग मेरा। एक बार तो थोड़ा सा सुगंध ही सी आती है। भाई मारी तरफ से तू गोखा। कैसी लगी आगे स्वाद? तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लगा लेयर लगा दीजिए, तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं? जी हाँ। यह वैज्ञानिक सत्य है, यह नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्हीं ने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्हें पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात, ये आपत्ति। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम। फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। सर ये जो आप सेवन कर रहे हैं क्या है? ये गौमूत्र है, गौजरण जो गाय से प्राप्त होता है। गाय एक ऐसे वरदान है पृथ्वी पर जो पूरे धर्मशास्त्रों के पुरातन समय से ही चला आ रहा है। गाय में सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति है, जबकि गाय का
गोबर गाय का झरण भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर करता है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो वायरस चल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है या और कोई वायरस है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में इसमें गौमूत्र में ऐसी शक्ति है, अगर उसका पोंछा लगाया जाए घर में तो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर 2-5 घूंट अगर रोगी को पिलाए जाए तो उनकी भयंकर से भयंकर बीमारियाँ दूर होती हैं, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहते ही नहीं है। तू खा, मैं देखूंगा। फिर वहां जाते हैं ना तो लो, तू खा यार, तू खा यार, तू खा, तू क्या खाता है यार, नहीं तू खा यार, तू तो आजू बाजू टेबल वाले तो ऐसे थम कर, तू खा तो चेयरिंग ना ले यार। गौमूत्र से कोरोना का बचाव हो सकता लगता? ये सब मिथ्या है, बस पागल बनाने का जरिया है, पागल बनाया जा रहा है पब्लिक को। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है, पता नहीं। अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है, आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं 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 नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा, लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है, गलत कह रही हूँ क्या? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। शरीर की चीड़ फाड़ कोई यूं ही करवा लेगा, और एक ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे, 4 से 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेडिकल जब जांच में आया कि कैंसर हो सकता है तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में उसके आधार पे इलाज हुआ। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? मजा सातवीं फेल। ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति है। मार साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। मैं ऑमलेट खाऊंगा। भाई मारे तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी।